हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का आज फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल क्यूलिनरी गुरुजी में। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के बारे में कि बेकरी क्या होता है एंड कन्फेक्शनरी क्या होता है। बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी एक ही होता है, तो आज मैं आप लोग का ये डाउट क्लियर करती हूँ कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में डिफरेंस क्या क्या है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी कि बेकरी क्या होती है एंड कन्फेक्शनरी क्या होती है। तो हम बेकरी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि बेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम किसी भी आइटम को बनाते हैं, देन उसको बेक करते हैं और उसके बाद उसको बेचा जाता है, जिसमें हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड, कुकीज़, ब्राउनी, पेस्ट्री, केक वगैरह। जो बेकरी के प्रोडक्ट रहते हैं वो मीठे नहीं होते हैं, कुछ कुछ उसमें नमकीन फ्लेवर्ड भी रहते हैं, लाइक हम एग्जांपल पेटीज का ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कन्फेक्शनरी क्या होता है। तो कन्फेक्शनरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम मिठाइयाँ बनाकर बेचते हैं, मतलब स्वीट आइटम बेचते हैं। इसको हम अगर अपने सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक हलवाई की दुकान बोल सकते हैं, क्योंकि हलवाई की दुकान पे हम मोस्टली हर प्रकार का मीठा देखते हैं, तो इसमें ना हर प्रकार की मिठाई आ जाती हैं। कन्फेक्शनरी में बनाई हुई चीज़ बेक्ड नहीं होती है। तो ये हमने अभी बेसिक देखा कि बेकरी और कन्फेक्शनरी में डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे इसकी थोड़ा डिटेल में, तो इसको डिटेल में देखेंगे कि बेकरी और कन्फेक्शनरी में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ बेकरी। तो हम देखेंगे बेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आइटम बनाते हैं और बेचते हैं। तो इनका जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है वो रहता है मैदा, मतलब जो भी चीज़ें मैदा से बनती हैं और उसे ओवन में बेक करते हैं फिर और उसे बेचते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बेकरी में आ जाती हैं, जिसमें हम ब्रेड, बंस, केक, पेस्ट्रीज़, पाई, कुकीज़, मफिन्स, ब्राउनीज़ वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो बेकरी में प्रोडक्ट हैं वो स्वीट एंड सैवरी, मतलब नमकीन दोनों फ्लेवर के हो सकते हैं, और कन्फेक्शनरी में जो रहते हैं वो ओनली ऑन स्वीट रहते हैं। तो हमने देखा कि बेकरी में हर टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। तो बेकरी में हमें एक परफेक्ट मील भी मिल सकते हैं, जैसे कि हम ब्रेड या बंस को अपने मेन मील में इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिज़र्ट में अगर देखा जाए तो हम केक या पेस्ट्रीज ले सकते हैं, और स्नैक्स में देखा जाए तो कुकीज़ और ब्राउनीज ले सकते हैं। लेकिन जो कन्फेक्शनरी का सामान रहता है वो ओनली ऑन स्वीट रहता है, तो उसे हम ओनली ऑन डिज़र्ट में ले सकते हैं। वो पर्सन जो कि एक बेकरी चलाता है, जो कि बेकरी में काम करता है, ओवन में चीज़ें बेक करता है, तो उसे हम बेकर के नाम से जानता है, क्योंकि वो बेकरी को मेंटेन करने का काम करता है, तो उसे हम नॉर्मल बेकर बोल सकते हैं। और कुछ बेकरीज ऐसी भी रहती हैं जो आजकल मॉडिफाई होकर एज आ कैफ़े की तरह काम करने लगी हैं, जिसमें वो कस्टमर को टी एंड कॉफ़ी प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद उनको थोड़ा सा फूड प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अभी हमने बेकरी के बारे में डिटेल से जाना है, अब हम डिटेल से जानेंगे कन्फेक्शनरी के बारे में, मतलब व्हाट इज़ कन्फेक्शनरी। तो हम कन्फेक्शनरी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर हम ओनली ऑन स्वीट आइटम सेल करते हैं, बेचते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की स्वीट्स एंड कुछ टाइप की कैंडी हो सकती हैं। बेकरी और कन्फेक्शनरी में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि कन्फेक्शनरी में ओनली ऑन हमें स्वीट्स मिलती हैं और बेकरी में हमें मीठी के साथ साथ नमकीन प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। कन्फेक्शनरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है बेकर्स कन्फेक्शनरी, देन सेकंड वन इज शुगर कन्फेक्शनरी। तो जो कन्फेक्शनरी में हमें सामान मिलता है उसमें हम कुछ सामान को बेक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वीट रहता है, तो स्वीट में हम देखेंगे केक एंड पेस्ट्रीज आ जाती हैं जिनको हम बेक करके बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे बेकर्स कन्फेक्शनरी। बेकर्स कन्फेक्शनरी में हम ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं जिन्हें हम बेक करते हैं और एज अ डिज़र्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं केक, पेस्ट्री, डोनट। इन सबको क्या होता है, डोनट को तो हम फ्राई करते हैं, बट केक एंड पेस्ट्री को हम बेक करते हैं, देन उसके बाद क्रीमिंग आइसिंग करते हैं, तो हम इसे एज अ डिज़र्ट ले सकते हैं। सेकेंड में हम देखेंगे शुगर कन्फेक्शनरी। शुगर कन्फेक्शनरी में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो शुगर बेस्ड होती हैं और हम इन्हें एज अ स्नैक यूज़ करते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड रहती हैं, लाइक कैंडीज, चॉकलेट, च्युइंग गम, ये सारी चीज़ें कन्फेक्शनरी में आ जाती हैं।
तो अब शायद इस वीडियो के बाद आप लोग को बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, तो फिर अब मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।